डेफिनेटली ये मेरे लिए एक सौभाग्यपूर्ण बात होगी अगर मुझे अपने मातृभूमि के लिए काम करने का मौका मिले। मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ। इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो बिहार का इधर ही है। तो ये मेरे लिए ये खुशी की बात होगी अगर मुझे यहाँ काम करने का मौका मिले। जिस पल का इंतजार था वो वक्त आ ही गया। पूरा गांव, पूरा बिहार यूपीएससी टॉपर शुभम के उनके पैतृक घर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। पूरा गांव बैंड बाजे के साथ उनकी स्वागत के लिए अगुवाई कर रहा था। माँ और पापा ने बिहार का नाम पूरे देश में ऊंचा करने वाले इस लाल को कदवा उनके घर पहुंचने पर गले लगा लिया और इस पल का गवाह हर कोई बनना चाह रहा था। क्या आम क्या खास, हर कोई इस पल को अभूतपूर्व बनाना चाह रहा था। हो भी क्यों नहीं, कटिहार के इस लाल ने ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि बिहार की इस धरती का नाम देश में गौरवान्वित कर दिया है। मैं देश सेवा को सर्वोत्तम स्थान दूंगा। जो लोग लोगों के लिए अगर मुझे कुछ करने का मौका मिलता है तो वो मेरे लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण बात होगी और इसको काफ़ी तरीके से किया जा सकता है। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं IAS ज्वाइन करके ये देश सेवा कर सकता हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि देश सेवा को हर नागरिक कर सकता है, वो अपना बस कर्तव्य निभाएं, एक सच्चे नागरिक का जिम्मेवारी निभाएं, तो कोई भी देश सेवा कर सकता है। डेफिनेटली ये मेरे लिए एक सौभाग्यपूर्ण बात होगी अगर मुझे अपने मातृभूमि के लिए काम करने का मौका मिले। मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ। इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो बिहार का इधर ही है। तो ये मेरे लिए ये खुशी की बात होगी अगर मुझे यहाँ काम करने का मौका मिले। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे युवाएँ हैं वो काफ़ी एस्पिरेशनल हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, वो जो ठान ले वो कर सकते हैं। तो अगर उनके पास एक प्रॉपर प्लान हो और सपोर्ट हो तो वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। शादी को लेकर मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अभी उम्र भी कम है। सफलता का श्रेय मैं अपने परिवार वालों को सबसे ज़्यादा देना चाहूँगा, जिस तरीके से वो मुझे सपोर्ट किया, पापा मम्मी चाचा चाची दीदी हर लोगों ने। ये काफ़ी मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर रहा। मुझे ये कभी लगा नहीं कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर मेरा क्या होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी गर्वान्वित महसूस किया और ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग आएंगे। मेरी बस यही दुआ रहेगी कि मुझसे लोग पॉजिटिवली मोटिवेट हो और जो भी एरिया में वो कुछ जो करना चाहते हैं वो उसमें वो सक्सेसफुल रहें। हाँ, बात हुई हमारी शाम में माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट किया और वो काफ़ी खुश थे कि बिहार से किसी ने टॉप किया एग्ज़ाम।